दोस्तों मालवा का किसान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। ये आज हमारे डालर चने की थ्रेशर हो रही है और बीज क्वालिटी मेरे हाथ में आप देख सकते हैं। दाने पूरे फूल गए हैं क्योंकि हमने इसका ट्रीटमेंट ठीक ठाक किया था, लेकिन वो जो 12 दिन का मौसम खराब हुआ था दोस्तों, उसका इफेक्ट इस पर देखने को मिल रहा है। दूसरी जगह आसपास की जो थ्रेशरें हुई है वहाँ पर 3-3.5 का उत्पादन देखने को मिला है। अब ये हमारे यहाँ पर थ्रेशर चल रही है, उसकी देखकर लग रहा है दोस्तों कि संभवतः उत्पादन यहाँ पर भी कम ही निकलेगा, लेकिन दाना देखकर और लगभग जो मेरा अनुमान था उस अनुमान के अनुरूप लगभग लग रहा है कि उत्पादन हो जाएगा। ये जो हमारे डालर चने थे 1 बीघे में थे और 1 बीघे से इसकी 1 बीघे डालर चने की जो थ्रेशर है वो चल रही है। अभी ये जो टोकरी वाली थ्रेशर है इसके अंदर हम इसको निकाल रहे हैं, बहुत अच्छा क्लीन माल ये निकालती है और दोस्तों भूसा भी बहुत शानदार निकालती है। ये देखते हैं भूसे को कि भूसा किस प्रकार से निकाला है, क्योंकि जानवरों के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट इसका भूसा होता है। तो बहुत ही बारीक और बिल्कुल लुक्की जैसा भूसे को ये बना देती है। देख लीजिए कितना शानदार, ये मैं दिखाता हूँ आपको भूसा, देखिए ये बहुत ही बारीक इसने भूसा निकाला है। ये देखिए भूसे की क्वालिटी देखिए, जैसे कि कोई लुगदी है, बिल्कुल बारीक और बहुत ही मुलायम इसने भूसा निकाला है। जानवरों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट इसका भूसा होता है। और ये लगे हुए हैं लड़के 1 बीघा डालर चने की, ये थ्रेशर है और संभवतः है कि जहाँ तक मेरे को लग रहा है कि 60 उत्पादन चला जाएगा इसका। ये देखिए ये टोकरी नुमा थ्रेशर इसे कहा जाता है, इसमें इस टोकरी जैसा इसका डाला होता है, तो इस डाले में माल डाला जाता है ताकि इसमें मजदूरों को भी कोई परेशानी ना जाए, नहीं तो वो जो कट्टे वाली होती है उसमें एक व्यक्ति यहाँ पर उसको देने के लिए चाहिए होता है और उसमें बहुत सारे खतरे होते हैं, बहुत सारी दुर्घटनाएँ घट जाती है। तो ये वाली जो थ्रेशरें हैं बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ही अच्छी थ्रेशरें हैं। और ये देखिए अभी तक 6-7 कट्टे निकल चुके हैं, 7 कट्टे जो डालर हैं वो निकल चुके हैं और अभी निकल रहे हैं। और इसकी धूप हमने इसमें धूप बहुत ज़्यादा लगा ली थी, तो इसकी जो गेटियाँ हैं वहीं पर ढेर में बहुत सारी गिरी हुई है, तो अभी डालर आधे से ज़्यादा डालर उसमें बाकी है, तो इसके जो निकलना बाकी है। तो संभवतः है कि जहाँ तक मेरा अनुमान लग रहा है कि 4 कुंटल से थोड़ा बहुत ऊपर इसका डालर चना निकल जाएगा। चल रही है थ्रेशर और ये देखिए दोस्तों बहुत ही शानदार लगातार थ्रेशर चलते हुए और इतना ज़्यादा इफेक्ट होने के बाद, मौसम इतना ज़्यादा ख़राब होने के बाद, और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि 72 दिन की स्थिति में इसमें फूल निकले थे, वो भी ट्रीटमेंट किया जब जाके, नहीं तो बहुत ज़्यादा नुकसान इसमें देखने को मिला था। उसके पहले के जो सारे फूल थे वो सारे फूल ख़त्म हो गए थे, दोबारा से ट्रीटमेंट किया फिर फूल आए इसमें, तो इसमें 2 स्प्रे इस साल एक्स्ट्रा हो गए हैं और वो 2 स्प्रे की वजह से है कि ये 4-4.5 कुंटल के आसपास इसका उत्पादन निकलने वाला है दोस्तों। कि बहुत ही अच्छी लगभग कंडीशन कह सकते हैं, साल के हिसाब से अच्छा निकल रहा है, दाना बिल्कुल गोल्ड है, बढ़िया है और ये अच्छा खासा इसमें सूख चुका है, अच्छी हमने इसमें धूप लगाई है। हालांकि हमने इसको ढेर में जल्दी इकट्ठा कर लिया था ताकि खेत में ज़्यादा घेटियाँ गिरे नहीं। और ये देख लीजिए थ्रेशर चल रही है और बहुत ही बेहतरीन थ्रेशर है, बिल्कुल क्लीन माल ये निकालती है, बहुत ही शानदार। और इनकी लड़कों के चेहरे पर मुस्कान देखिए, वीडियो बनता देखकर इनके चेहरों पर अच्छी खासी रौनक आ गई है। जहाँ काम करते करते थोड़े से मायूस से हो जाते थक जाते हैं, तो वहाँ पर वीडियो देखकर खुश हो गए हैं लड़के। तो ये देखिए सर, लड़कों के चेहरे पर बिल्कुल
अच्छी मुस्कान आ गई है। बिल्कुल क्वालिटी का माल निकल रहा है दोस्तों, बहुत ही शानदार, बिल्कुल साफ सुथरा और अच्छा माल। लगभग 4.5-4.5 के आसपास इसका उत्पादन जा रहा है दोस्तों। तो इस उत्पादन से 4.5 क्विंटल बीघा के साथ तो उत्पादन, इस उत्पादन से मैं खुश हूँ। अच्छा इसका उत्पादन निकल रहा है, बहुत ही शानदार उत्पादन इसका रहा है।